गंगा की निर्मलता और अविरलता से जुड़ी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार के मात्र सदन आश्रम में साध्वी पद्मावती का अनशन पिछले एक महीने से जारी है। हरिद्वार जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी मात्र सदन आश्रम पहुंचे और उन्होंने साध्वी पद्मावती से अनशन त्यागने की अपील की, लेकिन साध्वी के गुरु स्वामी शिवानंद ने अनशन त्यागने से इनकार कर दिया। स्वामी शिवानंद का कहना है कि जब तक उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन केंद्र सरकार से नहीं मिलेगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। सेंटर में इससे पूर्व जो NMCC के डायरेक्टर आकर के स्वयं सब बात मान करके यहाँ पर गए, अब वही बात नहीं कर रहे हैं, वही मुकर रहे हैं। तो ऐसी हालत में कोई आश्वासन कोई का तो सवाल नहीं होता है। अब तो पद्मावती कह रही है कि जब क्रियान्वयन होगा, लेकिन लिखित में आदेश जो चीज़ है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो इस विकट परिस्थिति को तो तभी ये किया जा सकता है, सुलझा सकता है। शेखावत जी गंगा हितैषी नहीं है। शेखावत जी केवल अपने शान में रहते हैं, ऑफिसर को आगे पीछे टहलाते हैं और ऑफिसर से झूठ बुलवाते हैं। वहीं जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि मात्र सदन की ज्यादातर मांगे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। इन मांगों पर केंद्र सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है, लेकिन हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़ी मांग पर स्वामी शिवानंद संतुष्ट हैं। जिले में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो साध्वी हैं वो अनशन रूपी तप कर रही हैं। और मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया है कि देखिए जो मांगे हैं उसमें सकारात्मक कार्रवाई भारत सरकार अधिकतर उन्हीं के स्तर से होनी है, उस पर विचार चल रहा है। लेकिन दो चार बातें उन्होंने अपनी जो सुरक्षा है उसको लेकर के उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करी है। मैं SSP साहब से इस संबंध में बात करूंगा और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि अवैध खनन किसी भी दशा में पूरे जिले में हम नहीं होने देंगे। APTV भारत के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।